केजरीवाल सरकार अपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बेहतरीन सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। इस दिशा में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि डीटीयू रोहिणी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 12 मंजिला दो नए हॉस्टल तैयार किए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन हॉस्टल का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित हॉस्टल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉयज हॉस्टल और वीरांगना लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में 1000 स्टूडेंट्स यहां मौजूद अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। यहां पहुंचे मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारा उद्देश्य अपने उच्च शिक्षा संस्थाओं को बेहतर बनाते हुए स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और सुविधाएं मुहैया करवाना है। तो देखिए 12 मंजिला हॉस्टल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉयज हॉस्टल में 107 कमरे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उसमें 321 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में कुल 227 कमरे हैं और इन 227 कमरों में आपको बता दें कि 681 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। पहले से ही हॉस्टल मौजूद है जिसकी क्षमता लगभग 1600 है। डीटीयू हॉस्टल में 2600 से अधिक स्टूडेंट्स रह सकते हैं। 12 मंजिला हॉस्टल का उद्घाटन जो किया गया है उसकी खासियत बताई जा रही है ग्राफिक्स के जरिए। आने वाले दिनों में दो नए एकेडमिक ब्लॉक भी बनाए जाएंगे ये भी कहा जा रहा है। फुल फर्निश्ड और एयर कंडीशन ये सभी कमरे होंगे। इन रूम्स में आपको बता दें कि इनमें एक टीवी रूम भी बनाया गया है। इंडोर गेम एरिया भी यहां पर बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ ही रीडिंग और इंटरनेट रूम भी यहां पर अलग से बनाया गया है। तमाम फैसिलिटीज से ये लैस होगा हॉस्टल। इसी के साथ ही डाइनिंग रूम इसमें बनाया गया है। इसके अलावा एक्टिविटी रूम होगा। और इसी के साथ ही गेस्ट रूम भी बनाया गया है। अगर कोई परिवार वाला या फिर कोई भी मिलने आता है स्टूडेंट से तो यहाँ वो गेस्ट रूम में वेटिंग रूम की तरह यहाँ पर बैठ सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।